हम सब जानते हैं कि इसरो ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ है। वैसे ऑर्बिटर को तो अपनी जगह पर ठीक से स्थापित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि विक्रम हमसे थोड़ी देर के लिए रूठ सा गया है। अभी फिलहाल के लिए विक्रम सीधा नहीं है। यदि किसी तरह उसे सीधा कर दिया जाए तो इसरो के लिए वहां से संपर्क पाना काफी आसान हो जाएगा। वैसे इसरो के कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि उनके पास एक ऐसा रास्ता भी है जिसकी मदद से वे वहां से संपर्क पाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, जब विक्रम को ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया था तब सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन विक्रम लैंडर जब महज 2 किलोमीटर चंद्रमा के सतह से दूर रहा तब वो अपना रास्ता भटक गया था और इसी कारण से उसका संपर्क इसरो से टूट गया। विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर लगे हुए हैं जिसकी मदद से वह किसी भी डायरेक्शन को बदलते हुए सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता था। लेकिन दोस्तों, फिलहाल हम आपको बता दें, ऐसे स्पेस मिशन में इमरजेंसी के चांसेस हमेशा रहते हैं, इसलिए लैंडर में इमरजेंसी थ्रस्टर भी लगाए जाते हैं। अभी विक्रम जिस दिशा में पड़ा हुआ है उस तरफ भी थ्रस्टर लगे हुए हैं और उसमें पर्याप्त ईंधन भी मौजूद है। बस इंतजार है उससे केवल संपर्क साधने का। अगर इसरो विक्रम से संपर्क साधने में सफल हो जाए तो ऑर्बिटर के जरिए कमांड्स भेजकर फिर से उसे काम में लाया जा सकता है। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, इसरो ने वो काम करके दिखाया है जिसे दुनिया के कोई देश आज तक नहीं कर पाए। इसरो ने केवल 35 घंटों में विक्रम को खोज निकाला है। इसरो के काबिलियत को नापने के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है दोस्तों, क्योंकि विक्रम केवल एक ही लैंडर नहीं था जो कि चंद्रमा पर खो गया था। इससे पहले यूरोपीय स्पेस एजेंसी का लैंडर भी खो गया था जिसका पता 12 साल बाद लगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे खोजने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने तो तकरीबन 2.5 महीनों तक अपने लैंडर को खोजने की प्रयास की थी, लेकिन फिर भी उन्हें 12 साल बाद उनके लैंडर के बारे में पता चल पाया, लेकिन वह पूरी तरह से टूटा हुआ मिला। और यही घटना हमारे इसरो के साथ भी घटी, लेकिन इसरो ने केवल 35 घंटों में विक्रम को खोजकर पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी को अपने काबिलियत से हैरान कर दिया और हमारा लैंडर बिल्कुल सेफ कंडीशन में है। जब विक्रम का संपर्क इसरो से टूटा तो चिंता की बात ये थी कि वह सॉफ्ट लैंडिंग के जगह हार्ड लैंडिंग करेगा जिससे उसके टूटने की खतरा थी, क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी के कंपैरिजन में 6 गुना कम है, इसलिए तकरीबन 1500 केजी का लैंडर महज 2.1 किलोमीटर के अंतर से 60 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गिरता है, जबकि धरती पर वही सेम वजन 360 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिरता है। दोस्तों, यही वजह है कि विक्रम सुरक्षित रहा। अब केवल उम्मीद है कि जल्द से जल्द उससे संपर्क हो जाए और मेरा मानना है कि हम इसमें कामयाब जरूर होंगे। आप क्या मानते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप में से हर एक आई लव इसरो करके कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि मुझे इसरो से प्यार करने वाले लोगों के कमेंट्स पढ़कर खुशी होती है। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल वाले नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी एपिसोड मिस ना कर सके। और साथ ही अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।